हवानीगढ़ के नेड़े पिंड रामपुरा के एक व्यक्ति ने अपनी धी के सहुरा परिवार से उसका कतल करने के दोष लाए और प्रशासन तो इंसाफ की मांग की। मृतका के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दसिया कि उसकी धी का विआह मार्च 2019 सानेवाल के रजिंदर सिंह नाल होया सी। उसने दसिया कि अपनी धी के विआह च उसने 3 लाख तो वध खर्चा करने के नाल नाल दाज का सारा समान अते सोने के गहने आदि दिते सन, पर सहुरा परिवार का इन्ने नाल भी ढिड नहीं भरिया अते उन्हां कुछ समय बाद ही उसकी धी नूं दाज लई तंग परेशान करना शुरू कर दिता अते बाद विच उसकी धी नूं जहर दे के मार दिता। उसने कहा कि पुलिस भी इस संबंधी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सगों उसते राजीनामा करने का दबाव पाया जा रहा है। कितना टाइम पहले तो बेटी का ब्याह होया? दो साल पहले होया सर। किड़ी जगह होया? सानेवाल जी। तो जमाई का की नाम सी? रविंदर नाम है जी। अच्छा, ए की उस की कहना चाहोगे तुसी ब्याह? सर मैं ये कहना चाहूंगा सर, मेरी बेटी दे ब्याह दे 4 महीने के बाद में दहेज की वो मांग करने लगी, मार कूट करने लगी सर। मेरे दौरे 3 बार आई, मेरे को भेजी उन्होंने, मैंने पंचायत फैसले के मुताबिक मैंने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए मैंने वापस भेजी है जी। उन्होंने सर वही दहेज के पीछे 7 तारीख को मेरी बेटी को जहर देकर मार देता है। और सर मेरी कोई सुनो, हाँ जी यही 7 अप्रैल को मेरी बेटी को जहर देकर मारा है सर। मैं कोशिश करता है कि मैनू इंसाफ मिले मेरी बेटी का। शिकायत कितनी है? मैं शिकायत की है जी थाने दे बिच भी, चौकी दे बिच भी। किड़ी थाने जी, किड़ी चौकी? वो चौकी है जी सानेवाल और कुमकला थाना है जी। मैं इंचार्ज नू बतेरी कोशिश कर रहा है सर, दहेज का केस नहीं लगा रहे, उन्होंने अंदर नहीं कर रहे। 3 बंदे मैंने पकड़वाए थे, 4थे का नाम है, वो सर वहीं बैठे हुए हैं। ना तो उन्होंने सर वो रेस्ट कर रहे, ना वो कोई धारा लगा रहे। ऐदा ही मैं बिल्कुल इस तरीके से पागल वांगू दौड़ाए भजिए फिर दे सर। मेरी मांग है सब सरकार की कि सर मेरी बेटी मैनू इंसाफ चाहिए है। मेरी बेटी दे केस नू दहेज का केस लगाएं सर, उन्होंने रेस्ट करें, जेल भेजें। मेरी सबसे बड़ी बिनती आपसे यही है कि मेरी मैनू इंसाफ चाहिए है सर। बड़ी बड़ी कृपा हो जाएगी सर आगे तो पता है। तो की किया गया सी कि तो बेटी की डेथ किवें हुई है? बेटी की डेथ तो सर दहेज के मुताबिक उन्होंने करी है। उन्होंने कहा जी, मेरे कुड़म ने कहा जी कि जी मैं तेरी बेटी दी और मेरे कराली दी सास बहू का झगड़ा हो गया है और भाई तू ऐदा करियो सवेरे आ जाई। मैंने कहा सर कि मैं अभी आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सुबह रे आई। मैंने कहा मैं मेरी बेटी तो गल करा दियो, 7 बजे की गल आए जी। वो ये कहते हैं कि भी बेटी तेरी सोती पई है। फिर सर उन्होंने मैं 8 बजे फिर फोन किया है, उन्होंने फिर भी यही किया है मेरे जुमाई ने कि भी वो बेटी थोड़ी सो रही है, कुछ नहीं है। फिर सर मैंने 11 बजे फोन किया है, वो मतलब मेरी कुड़मनी ने फोन चुकया है, वो ये कह रही है, मेरे को रिकॉर्डिंग है आपको दे देता हूँ, वो ये कह रही है कि भी तेरी बेटी बिल्कुल सेफ है, ठीक है, सोती पई है और इस टाइम पर नहीं आना है, तो विकार दा डरे जाना सवेरे आए सब। उसके बाद में उस कुड़म का मेरे को फ़ोन आया 3:30 बजे, 3:30 बजे उन्हें फ़ोन किया है सवेरे, हाँ जी हाँ 3:30 बजे उन्हें फ़ोन किया है कि भी तेरी बेटी बाथरूम के लिए बाहर गई थी, मेरी जनानियाँ लेके गई थी, वो जब बच्ची डिग पई वो बेहोश हो गई, मैं जा रहा हूँ हूँ अस्पताल के बीच। मैंने आख्या मैंने कहा है भाई मैं आ रहा हूँ तेरे को, कहना ना तू ऐसा कुछ नहीं सवेरे ही आई। फिर सर उससे सिर्फ 20 मिनट के बाद में मेरे को उसकी लड़की का जो मेरी बेटी को पहले मारती थी उसका फ़ोन मेरे दुरे आ गया कि भी आके सवेरे अभी आ जाओ, आप अपनी बेटी को संभाल लीजिए और थोड़ी बेटी पूरी हो गई। यहाँ तो ये गल बनी है सर, सवेरे में वहाँ से निकल के ठाने चू गया चौकी चू सब, मेरी कोई सुनवाई नहीं। 11 बजे तो वो आए ही हैं, उन्होंने पहले मेरी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, उन्होंने ये किया कि भाई तेरी बेटी दी डेड बॉडी लेके आएंगे फिर कुछ करेंगे सर। वहाँ से वो जा 2 मुलाजिम गए हैं, वो डेड बॉडी देख के आए हैं, उसके मगर सर उन्होंने 1-2 घंटे फिर लगाए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की सर। वो मतलब वहाँ से ऐसा ही आया, SHO आया है कुमकला थाने से,
उनने फिर आगे मेरे को वहाँ मैं उस टाइम पे पहुँचा हूँ। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सर वो पैसे वाले आदमी, पैसे सारी जगह पैसे पैसे भरे जा रहे हैं। मैं मांग करता है सर जी, मैं तो इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ चाहिए सर। मेरी बेटी का केस दहेजा केस लगाइए पहले तो सर, फिर मतलब सब जेल मेरे को भेजना बहुत जरूरी है। मेरी भी आत्मा दुख रही है इस टाइम पे सर। उत्थे जदों इस संबंधी थाना मुखी नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि जदों लड़की की मौत हुई पुलिस पार्टी वालों जाके उसकी जांच की गई सी, पर मौके पर लड़की के शरीर से कोई भी सट के निशान नहीं सन। उन्होंने कहा कि लड़की के पिता के बयान भी दर्ज कर ले गए हैं, मृतका के शरीर को पोस्टमार्टम लिए भेज दिया गया सी। पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 8/4 को एक इतला मिली सी कि एक लड़की जिसका नाम नीलम है उसकी डैथ हो चुकी है, तो असं मौके पर उत्थे पहुंचे सी पुलिस पार्टी, तो उत्थे वेख्या उन्होंने जो प्रोसीजर बनता से अकॉर्डिंगली उसके कोई सट्टा नहीं सकिया कुछ नहीं सका, तो इस करके 174 की कार्रवाई अमल में लिया गई। जो बयान दिता गया लड़की के फादर वालों वो रिकॉर्ड किया गया, जिस जो भी शक्की मामला जो भी सी गलबात उन्हें अपने वालों दसी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो कॉज ऑफ डैथ हाले पेंडिंग हैगा, बट जो सामने गल आई है कि हाले कोई उसे सट्टा नहीं सकिया कुछ होर रीज़न नहीं आया सामने हाल तक, तो जिमें ही कोई अगर रीज़न आऊगा वो असं एक्ट करते हुए जी कानूनी कार्रवाई बनती हैगी वो असं करा जी। सर एक कि डोरी रिगार्डिंग 2 साल हुए शायद मैरिज में लड़की के, हाँ जी, तो हाले तक इस संबंधी सानू कदे भी कोई दरखास्त वसूल नहीं हुई पहला जी, ना कोई वुमेन सेल चलती सी दरखास्त ना कितने होर चलती सी। ये मौके पर जो दसा है उसको असं मद्देनजर रखते हुए 174 CRPC तहत कार्रवाई की है जी, तो फर्दर जी रिपोर्ट आऊगी कॉज ऑफ डैथ आऊगा वो अगेंस्ट जो भी बनता हुआ असं कार्रवाई करा। सर उन्होंने शक प्रगट की है भी ये कुड़ी मारिया हो सकता है, यही वाली गल देखने सामने जो डेड बॉडी एडिट किया गया चेक तो वो कोई ऐसी गल सामने नहीं सी आई, जोड़ा रीज़न हैगा वो डॉक्टर से ही दसनगे सानू कि रीज़न रहा डैथ का, वो तो बाद ही जो भी होगा अगेन जिम्मे मैं पहला क्या वो बेस से होगी जी कार्रवाई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जेकर सिद्ध हो जाता तो बनती कार्रवाई होएगी जी? बिल्कुल जी होगी, जोड़े भी कल्परेट्स ने जिन्होंने ना होगा उन्होंने अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। भवानीगढ़ तो लवली कौशल की रिपोर्ट। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्ह चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 9947 84374 9648। पंडित राधे शर्मा चमत्कार होंदे वेखो अपनी अखां दे सामने 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल, मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा, मोड़ी वशीकरण करवाओ मनचाह प्यार पाओ लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस जमीनी झगड़ा नौकरी कारोबार च रुकावट विदेश यात्रा लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी, प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका इक बार जरूर मिलो मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा, मोबाइल 9870880045 देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।